का चिंतन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। हमारे स्कूल के 95% बच्चे जो है वो फिशिंग एंड कल्टीवेटर फैमिली से आते हैं, कल्टीवेशन की फैमिली से, तो उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और दे आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड और काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, तो उसको ब्रिज करने का मैंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था। तो मैंने सोचा कि इट्स द वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो है विप्रो अर्थियन, जिनके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते बच्चों को। ग्रीन ग्रास को मिलता पहले सर, उसको ग्रास होपर खाता, उसको फ्रॉग खाता, फ्रॉग को स्नेक खाता, स्नेक को ईगल खाता, फिर वैसे ऊपर का लिस्ट में जहाँ ऊपर ऊपर जाते रहता वो एनिमल कम होते रहते सर। हम हमारा एक्टिविटीज में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी में हर फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और धीरे धीरे वो क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्या होगा, टूट जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो ये है ह्यूमन, तो हमें करना चाहिए नहीं, सो बैलेंस रखना है क्योंकि हमें रिसोर्स चाहिए जीने के लिए। हाँ, हमें फिश भी खाना है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, बट क्या तरीके से करना है, सस्टेनेबल। हाँ, जो हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं बैलेंस रखना। बहुत ज़्यादा डिफरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के कारण से पक्षियों के हैबिटेट में प्रभाव पड़ रहा है और बहुत से सारे जंगल काट के वहाँ शहरी अंचल में तब्दील हो रहा है। इसके चलते बहुत से पक्षी इस दुनिया से विलुप्त भी हो चुका है। इसलिए बर्ड्स के ऊपर मैं एक आर्टिफिशियल मॉडल तैयार किया है, इसमें पक्षी आके बैठना, खाना और नहा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं एक टीन कैन हम लोग जो फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद फेंकते हैं, मैं उसी दौरान एक टीन कैन को लिया, इसके चारों तरफ हाफ हाफ पोर्शन काट कर पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं चारों साइड में, और नहाने के लिए बीच में हम पानी रख सकते हैं ताकि पक्षी आए इसका आनंद ले सके, और ऊपर बैठने के लिए घोंसला भी बनाया है और एक लो कॉस्ट मटेरियल से बनाया गया है। सो कहीं ना कहीं हर बच्चे विप्रो अर्थियन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होने से भी इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय दिस प्रोजेक्ट। तो एक माई ओपिनियन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बच्चे देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्व और स्किल डेवलप कर रहे हैं और वो अपने लोकल जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2018 और 2020 में सर हम लोगों के स्कूल को नेशनल अवार्ड मिला था ना सर, तो उससे सर हम भी इंस्पायर हुए और मुझे भी सर मतलब इच्छा हुआ कि हम भी इस साल विप्रो अर्थियन ग्रुप का मेंबर बन के हम लोग भी स्कूल को नेशनल अवार्ड जीतेंगे। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम स्कूल, कम्युनिटी, स्टूडेंट, पेरेंट्स सबको हम कनेक्ट कर सकते और फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट आर द लोकल। तो मैं यही बोलना चाहूँगा मतलब थ्रू ये प्रोग्राम के थ्रू कि जो एनवियस्टिक टीचर्स है, जो नेचर लवर है और इस तरह के जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हैं, उनको ज़रूर विप्रो अर्थियन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, नॉट ओनली फॉर द स्कूल, अपने आप के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जानने का, सीखने का, बच्चों को सिखाने का, क्योंकि बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो खुद को भी तो रिसोर्सफुल होना है, बहुत जानकारी होना है, तो उसके लिए ये वंडरफुल प्रोजेक्ट है विप्रो अर्थियन।